नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पुलिस अनुभाग के गुलगंज थाना क्षेत्र की बंधा चौकी अंतर्गत ग्राम मोरा में युवक द्वारा की गई आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों के विरुद्ध प्रकरण कायम करने की गुहार मृतक के परिजनों ने पुलिस से लगाई। जानकारी के मुताबिक मोरा गांव में राम अवतार पिता लखन यादव 19 वर्ष ने बीती 18 जुलाई को दोपहर 1 बजे पटारहार स्थित स्वयंवम के खेत में आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की जानकारी लगते ही चौकी प्रभारी प्रथा दुबे मर कायम कर मौके पर पंचनामा बनाकर मृतक की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान मृतक की पेंट की जेब से सुसाइड नोट निकला था, जिसमें मृतक की बड़खीरा निवासी अभय सिंह, लोकेंद्र सिंह, सुरेंद्र प्रजापति एवं अन्य युवक द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित करने को लेकर ग्लानी वश विवश होकर आत्महत्या करने का करार लिखा था। उसी परिप्रेक्ष्य में मृतक के परिजनों ने बंधा पुलिस चौकी में गुलगंज थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय से आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र प्रकरण कायम कर उनकी गिरफ्तारी किए जाने की गुहार लगाई। चौकी किस लिए आए हो आप लोग? हमने भतीजे के इंसाफ के लिए आए। हम क्या हो गया था आपके भतीजे को? फांसी लगा के मर गया वो, फिर ठाकरों ने धमकी दी है बड़खीरा को। कितनी तारीख को? 18 तारीख। किन कारणों से उसने फांसी लगाई? उन लोगों ने मारा उसको, डंडों से बेल्टों से मारा उसको, और उसको धमकी मोबाइल भी तोड़ा, मोबाइल भी तोड़ा था। कौन कौन लोग थे वो? वो अभय प्रताप सिंह चंदेल थे, अर्जुन सिंह का लड़का, और लोकेंद्र सिंह था बड़खीरा का, और सुरेंद्र सिंह प्रजापति ढोंगापुरा का था, और एक कोई शर्मा था, उसका नाम पता नहीं। तो आज चौकी ग्राम मोर्रा निवासी राम अवतार द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पंचनामा कार्रवाई की एवं उसके बाद शव को पीएम हेतु बड़ा मलहरा रवाना किया। शव पंचनामा के दौरान राम अवतार के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। मर्ग में जांच जारी है, पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त है एवं परिवारजनों के कथन लेना शेष है। पत्र में क्या लिखा पाया गया? पत्र में मृतक